कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम रदरफोर्ड में नहीं बताया था, ठीक है। और क्या टर्म्स है, वी विल सी। एटमिक नंबर, मास नंबर, क्या है ये? एटम का दो पार्ट देखा हम लोग ने, रदरफोर्ड बोला एटम्स का टू पार्ट होगा, एक न्यूक्लियस के अंदर एक बाहर, यानी एक है इनसाइड द न्यूक्लियस, और दूसरा है आउटसाइड द न्यूक्लियस जो इलेक्ट्रॉन से है। किसी भी एटम्स को हम लोग एक्स से डिनोट करते हैं। ऊपर आप लोग लिखते हो क्या, जेड लिखते हो फिर ए लिखते हो, इफ़ यू गाइज रिमेंबर, ए लिखते हो एटमिक मास के लिए, जेड लिखते हो एटमिक नंबर के लिए। तो एटमिक नंबर क्या, मास नंबर क्या है? एटमिक नंबर आपका ये रिप्रेजेंट करता है, इट इज़ नथिंग, ऑलरेडी मैंने बता दिया कि न्यूक्लियस में हमारा क्या होता है, प्रोटोन और न्यूट्रॉन दोनों ही रहता है, प्रोटोन प्लस न्यूट्रॉन। तो इस दोनों को जब आप ऐड करोगे तो एटमिक नंबर ही आ जाएगा। तो एटमिक नंबर इज़ नथिंग, इट इज़ द सम ऑफ योर प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन। इसलिए न्यूक्लियस को न्यूक्लियोलस भी बोला जाता है, न्यूक्लियोलस, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेशन पढ़ना जो यहाँ पर लिखा है एनसीईआरटी के लाइन में, द प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज ड्यू टू द प्रोटोन इन द न्यूक्लियस, बिकॉज प्रोटोन का पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन होते हैं वो न्यूट्रल होता है, इसलिए जो मेरा न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज होगा वो किसकी वजह से होगा, प्रोटोन में। ये ऑब्जेक्टिव में देता है इसलिए ये पॉइंट्स याद रखिएगा। यहाँ पे आपका ये लिखा है कि प्रोटोन का पॉजिटिव है तो इसका ऑपोजिट को बैलेंस करने के लिए एक नेगेटिव चार्ज होगा जो है इलेक्ट्रॉन। तो द चार्ज ऑफ द प्रोटोन इज इक्वल बट ऑपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो द नंबर ऑफ दिस थिंग, यहाँ पे तुम्हारा इसलिए देखना कितना प्रोटॉन है कितना इलेक्ट्रॉन है वो किससे डिनोट होता है, एटमिक नंबर से होता है। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन रिप्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इज इक्वल्स टू द एटमिक नंबर, दिस इज आल्सो द डेफिनेशन ऑफ एटमिक नंबर। यानी मुझे न्यूट्रल करना है एक एटम को, तो जितना मेरा न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है मेरा बाहर भी उतना नेगेटिव चार्ज होना चाहिए। तो इसका बैलेंस करने के लिए दैट इज नथिंग, इट इज़ नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसका होता है, प्रोटॉन का होता है। एटमिक नंबर का डेफिनेशन ये लिखना, द नंबर ऑफ प्रोटोन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, ओके। फॉर एग्जाम्पल योर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन में कितना प्रोटोन होता है, 1, सोडियम में होता है 11। इसी तरह आपको बाकी पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखेंगे। तो बेसिकली डेफिनेशन क्या होगा आपका एटमिक नंबर, इट इज़ द नंबर ऑफ द प्रोटोन, माइंड दैट इलेक्ट्रॉन मत लिख देना, इट इज़ द नंबर ऑफ द प्रोटोन विच इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, या न्यूक्लियस के बाहर अगर इलेक्ट्रॉन लिखो ये भी राइट है, ये कुछ होगा तुम्हारा न्यूट्रल एटम लेकिन मेंशन करना। अब न्यूक्लियॉन्स क्या है, ऑलरेडी मैंने बोल दिया, दिस इज़ माय प्रोटॉन न्यूट्रॉन एंड दिस इज़ माय आउटसाइड इलेक्ट्रॉन, फाइन ना। तो दिस इज़ योर न्यूक्लियस, इसी को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं जब प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों मिले। तो यहाँ पे क्वेश्चन आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय न्यूक्लियॉन्स, while the positive charge of the nucleus is due to proton, the mass of the nucleus due to the proton and neutron. ओके, द चार्ज, ये न्यूक्लियस का चार्ज आपका किसके वजह से है, न्यूक्लियस का चार्ज सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रोटॉन के वजह से, क्योंकि ये चार्ज है न्यूट्रॉन। लेकिन मास अगर पूछे, तुम्हारा न्यूक्लियस का मास दो चीज की वजह से है, इट इज़ द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बोथ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस विच इज़ कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स। तो मास तुम्हारा न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स के वजह से होता है, न्यूक्लियॉन क्या है आपका, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ओके। तो दिस इज़ योर एटमिक नंबर न्यूक्लियस। तो यहाँ से एक टर्म्स आता है आपका एटमिक नंबर क्या होता है, एटमिक नंबर पहले भी बोल दिया है, जब हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के, हाँ हाय एमिन आ जाओ, तुम्हारा मास नंबर क्या होगा, जब हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को मिला के एड ऑन करेंगे दैट विल बी आवर मास नंबर। तो एटमिक नंबर क्या, मास नंबर क्या, देख लिया। अब कुछ कुछ टर्म्स है यू शुड नो विद रिस्पेक्ट टू एटमिक नंबर एंड द मास नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है आइसोटोप्स एंड आइसोबार। तो चलो पहले एग्जांपल से बताती हूँ, किसी भी एटम्स को रिप्रेजेंट करने का वे दिया हुआ है आपका, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ऊपर ए लिखते हैं, ए क्या होता है, मास नंबर, जेड होता है एटमिक नंबर, ओके। आइसोबार्स, आइसोबार्स का तुम्हारा फॉर एग्जाम्पल सी दिस एग्जाम्पल, बनाने दो,
पहले आइजोबार लिखा है तो चलो आइजोबार बताती हूँ, एग्जाम्पल से समझना। आइजोबार से आपका एग्जाम्पल कार्बन लिखा, नाइट्रोजन लिखा। अब यहाँ पे आपका 14 है, यहाँ पे 14 है, यहाँ पे आपका 16 है, 7। ये नॉर्मल तुम्हारा कार्बन नहीं, ये रेडियो एक्टिव कार्बन है, रेडियो एक्टिव कार्बन। लो आप नज़र आएगा, दिस इज योर रेडियो एक्टिव कार्बन। रेडियो एक्टिव कार्बन है ये। तो आइसोबार में देखिए, ये ऊपर का मास नंबर दोनों का सेम है, लेकिन तुम्हारा एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, तो ये आपका आइसोबार में आ जाएगा। तो आइसोबार का डेफिनेशन याद रखना, एटम विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर एंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। ओके, सेम है तुम्हारा आइसोटोप्स। आइसोटोप्स क्या है? आइसोटोप्स तुम्हारा वो होता है विच हैव उल्टा इसका, एटम्स विद आइडेंटिकल एटमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर आर कॉल आइसोटोप्स। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है आपका हाइड्रोजन लेके, हाइड्रोजन का आपका तीन होता है, हाइड्रोजन एटम, ड्यूटेरियम एटम एंड ट्राइटेरियम एटम। ओके, ये तीनों का अगर हम लोग देखें तो यहाँ आपका वन होता है मास नंबर, टू होता है मास नंबर, थ्री होता है मास नंबर, लेकिन एटमिक नंबर देखो यहाँ पे सबका सेम होता है। तो ये आपका आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है। उसी तरह कार्बन का आइसोटोप्स का भी एग्जाम्पल से याद रखना, कार्बन का एग्जाम्पल याद रखना 12, 13, 14, और एटमिक नंबर सेम रखना 6, 6, 6। ओके, दिस आर आइसोटोप्स बिकॉज दे हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटमिक नंबर। यहाँ लिखा हुआ है, चलिए रीड करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका कि एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोजन एटम्स 99.9 इफ कंटेन ओनली वन प्रोटोन, दिस इज कॉल्ड प्रोटीनियम, H1 को बोलते हैं, जिसमें क्या है तुम्हारा वन एटमिक नंबर है एंड वन मास नंबर है। अदर वन इज या डिटीरियम, डिटीरियम का तुम्हारा D2 होता है। प्लीज रिमेंबर द परसेंटेज, ठीक है, हाइड्रोजन तुम्हारा कितना परसेंटेज में है, 99.985। डिटीरियम रेडियो आइसोटोप्स कितना परसेंटेज में है, 0.0, ये परसेंटेज याद रखिएगा। उसी तरह ट्रिटिनियम में हमने देखा ये 3-1 है। अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने जाए तो यहाँ पे तुम्हारा देखो प्रोटॉन 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 1 आया, इलेक्ट्रॉन 1 आया, लेकिन तुम न्यूट्रॉन अगर देखोगे तो यहाँ न्यूट्रॉन 0 आएगा, यहाँ न्यूट्रॉन 1 आएगा, या न्यूट्रॉन कितना आएगा, 2 आएगा। तो देर इज अ डिफरेंस ऑफ न्यूट्रॉन ऑल्सो इन आइसोटोप्स। तो आइसोटोप्स में ये भी लिख सकते हो, देर इज अ डिफरेंस इन न्यूट्रॉन ऑल्सो। ठीक है, न्यूट्रॉन नंबर भी अलग होता है। ओके, मास नंबर तो अलग होता है, मास नंबर अलग होने की वजह से तुम्हारा न्यूट्रॉन भी अलग होता है। ये पैरा में आपका यही लिखा हुआ है, ऑल द एग्जाम्पल एंड सो ऑन। सॉरी, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्या है यार? दे हैव गिवन मी विच वी हैव टू डू द सम्स। चलो सम्स करते हैं। या बहुत सारा टर्म नहीं गिवन है, मैं लिखा देती हूँ साइड में। ओके, तो यहाँ पे आइसोटोप्स का आपका एक चीज़ लिखा हुआ कि आइसोटोप्स इज दैट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एटम बाय द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच आर डिटरमाइंड बाय द नंबर प्रोटोन इन द न्यूक्लियस। ओके, ये आइसोटोप्स का आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है। ये यहाँ पे सिर्फ आइसोटोप्स और आइसोबार दिया हुआ है, कुछ और टर्म्स तुम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट्स यहाँ पे लिख लो, मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ नोट डाउन करके। नेक्स्ट लिख लो, यहाँ पे मैं हट जा रही हूँ। आइसोटोप्स देखा, आइसोबार देखा, एग्जाम्पल के साथ याद रखना। उसी तरह आपका पूछता है कि आइसोडाइफर्स क्या होते हैं, थर्ड लिखो, ठीक करके लिख लो आइसोडाइफर्स। ए बी क्या था? ए था तुम्हारा आइसोबार जो देख लिया एनसीईआरटी बुक में है, बी में हम लोग ने देखा आइसोटोप्स। ठीक है, एग्जाम्पल्स भी देख लिया।
थर्ड है तुम्हारा एजोबा। एजोबा क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैंने बोरोन लिया, कार्बन लिया, ओके। बोरोन का आपका 11 है, यहाँ भी 13 है, इसका 6, ये 6 यानी सॉरी ये 5 होता है और ये 6 है, और ये तुम्हारा रेडियो एक्टिविटी कार्बन। चलो प्रोटोन निकालते हैं, यहाँ प्रोटोन कितना है मेरा 5, इलेक्ट्रॉन कितना है 5, न्यूट्रॉन निकालेंगे, न्यूट्रॉन मतलब क्या होता है, ये दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका 6 आया, ओके। कम हो गया, यहाँ पे कितना है प्रोटॉन आपका 6 है ना, इलेक्ट्रॉन कितना है 6, न्यूट्रॉन कितना आया आपका, न्यूट्रॉन आया 7। अब देखो यहाँ से क्या करना, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन का वैल्यू निकाल के दिखाओ। न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन कितना होगा, न्यूट्रॉन कितना है मेरा 6, प्रोटॉन कितना है यहाँ 5, 6 माइनस 5 गिव्स यू व्हाट, 1। डू लाइक दिस ओवर हियर, एन माइनस पी कीजिए, कितना है न्यूट्रॉन यहाँ 7, प्रोटॉन कितना है यहाँ 6, कितना है। तो ये दोनों आइसोडफर है, यानी आइसोडफर्स वो एलिमेंट्स होते हैं जब हम लोग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस करेंगे तो सेम आएगा। दे विल गिव यू दिस थिंग कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर आइसोडफर्स, आइसोबार्स, आइसोटोप्स, ठीक है। ये एग्जांपल हुआ, चलो डेफिनेशन में यही लिख लो, दे आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव द सेम डिफरेंस ऑफ द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, है ना, न्यूट्रॉन माइनस प्रोटॉन एंड प्रोटॉन्स, यानी दैट इज करके लिखना एन माइनस पी का वैल्यू सेम होगा तुम्हारा आइसोडफर। और क्या एग्जाम्पल होगा, मैं एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बोली ये आइसोडफर होगा कि नहीं, जस्ट राइट यस और नो। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट लिख लो इसी में सेकेंड एग्जाम्पल, इफ़ आई गिव यू दिस थिंग, नाइट्रोजन है तुम्हारा रेडियो एक्टिव N157 और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में नॉर्मल ले रही फ्लोरिन, ये दोनों आइसोडफर है कि नहीं, कमेंट्स करो, इज दिस टू आर आइसोडफर और नॉट। कमेंट्स करो जब तक मैं, और नेक्स्ट टाइम तुम लोग का पूछेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय आइसोटोनिक, डी नंबर 4, आइसोटोन्स क्या होते हैं या आइसोन्यूट्रॉनिक क्या होते हैं, या पूछ सकता है सिंपली जो बोला था आइसोटोनिक क्या होते हैं। इसमें क्या होगा, मैं एग्जांपल से, जैसे मैंने हीलियम लिया, हाइड्रोजन लिया, ट्रिटियम लिया हाइड्रोजन का, हीलियम लिया, फाइन। अब इसका प्रोटॉन निकालती हूँ, प्रोटॉन यहाँ पे 1, इलेक्ट्रॉन 1 और न्यूट्रॉन है 2, है ना। यहाँ भी निकालो, प्रोटॉन है आपका 2, इलेक्ट्रॉन है 2 और न्यूट्रॉन कितना है 2, तो क्या आ रहा है यहाँ पर, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये क्या कंपाउंड एलिमेंट्स है कि विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। डेफिनेशन में यही लिख लो, they are the atoms of different element which have same number of neutron. Okay. सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को अंडरलाइन कर लीजिए, और मैं एग्जांपल दे देती हूँ, एग्जांपल में और लिख लो आप, पोटेशियम लिया मैंने 39, 19, कैल्शियम लिया मैंने 40 और 20, ये देखना आइसोटोन है कि नहीं, चेक करना। नेक्स्ट टाइम आप लोग से पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय आइसोस्टर, तो कितना हुआ 4 हो गया, 5वां आइसोस्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे मॉलिक्यूल्स लिया, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल लिया, ओके, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N2O का लिया। नाउ आई विल काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन दिस मॉलिक्यूल्स, ओके। यहाँ पे आप सबसे पहले बताओ एटम्स कितना है, एटम्स काउंट करो, कार्बन का एक एटम है, ऑक्सीजन का 2,
टोटल कितना एटम हुआ? 3 एटम। यहाँ भी एटम काउंट कीजिए, कितना आ रहा है एटम्स आपका? यहाँ पे 1 प्लस 2, फाइन ना। यहाँ पे एटम नाइट्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का 1, तो यहाँ भी एटम एटम सेम हुआ। सेकंड, इलेक्ट्रॉन काउंट करके बताओ कितना है। काउंट करते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन में इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 6 होते हैं। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 8 होता है। दूसरा एलिमेंट्स के लिए प्लस करेंगे, कितना आया? 2 बार है तो 2 लिखेंगे, कितना आया? 6 या 16 हुआ। 6 16 कितना होता है? 22 इलेक्ट्रॉन आया। डू फॉर दिस, नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन 7 होता है, 2 है तो 2 लिखो। जिस डिफरेंट एटम के लिए प्लस 2, ऑक्सीजन में 8 होता है, 14 और 8 कितना होता है? 22। तो जिसमें गाइस सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेम एटम हो उसको आइसोस्टर बोलते हैं। ओके, जस्ट राइट, दे आर द मॉलिक्यूल्स। माइंड दैट इट इज द मॉलिक्यूल्स, नॉट एटम्स। हाँ, दे आर द मॉलिक्यूल्स विच हैव द सेम नंबर ऑफ एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन। बस ये लिख देना। एटम भी सेम होना चाहिए, एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, ये दो। ओके, तो उसको हम लोग आइसोस्टर बोलेंगे। और एग्जांपल्स देती हूँ, इस तरह जो दे रही हूँ ये आप लोग अपने होमवर्क में कीजिएगा, डिटेल्स में सॉल्यूशन। नेक्स्ट एग्जांपल है आइसोस्टर का। आइसोस्टर का एग्जांपल इसमें लिखो, तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड लिया और पोटेशियम क्लोराइड लिया, चेक करना दोनों आइसोस्टर है कि नहीं। नेक्स्ट तुम्हारा लास्ट है तुम्हारा, कि व्हाट डू यू मीन बाय आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलेगा, कि आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या है। यहाँ पे क्या होगा, स्पीसीज मतलब क्या होता है? तुम्हारा आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो या एटम हो, कुछ भी हो, उसमें अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसको एज इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज बोलेंगे। जैसे मैंने क्लोरीन माइनस लिया, ठीक है, आर्गन माइनस लिया। माइनस मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा ना, तो क्लोरीन में 17 होता है, लेकिन इसमें एक माइनस है तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा? 18 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह आर्गन में आपका इलेक्ट्रॉन, आर्गन माइनस नहीं लेती हूँ, आर्गन लेती हूँ मैं। आर्गन में कितना होता है खुद का, उसका एटमिक नंबर में 18 इलेक्ट्रॉन। तो दिस टू आर माई आइसोस्टर स्पीसीज बिकॉज दे कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिनेशन में ये लिखिए, दे आर द एटम्स फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस विच हैव द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, एक और एग्जाम्पल देती हूँ, यू विल चेक इट कि आइसोस्टर है कि नहीं। दे विल गिव्स यू ऑल दिस थिंग्स, यू गिव दिस एग्जाम्पल ऑफ दिस थिंग। ये चलो और एग्जाम्पल लिख लो इसका। एग्जाम्पल वाटर चेक करना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में भी हो सकता है। अमोनिया चेक करना, दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप BF3 सल्फर डाइऑक्साइड। सी दे आर आइजो इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, नॉट तुम्हारा आइजोस्टर नहीं होगा, क्योंकि आइजोस्टर में नंबर ऑफ एटम भी सेम होना चाहिए। यहाँ पर नंबर ऑफ एटम सेम है? नहीं, यहाँ 3 एटम है, यहाँ 4 एटम है, तो ये आइसोस्टर नहीं होगा। लेकिन यू विल काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गेट टू नो व्हाट इज दिस थिंग। यहाँ तक हुआ आप लोग का? देखो ये जो स्पीसीज टर्म्स रिलेटेड है, दे विल आस्क यू, दे विल गिव यू द एग्जांपल। यू आइडेंटिफाई वो आइसोटोप्स है या आइसोबार है,
या तुम्हारा आइजोटोन्स है, या आइजोइस्टर्स है, या आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। ये फाइव टर्म्स अच्छे से पढ़ना और विद एग्जांपल्स याद रखना। चलो बैक टू आवर एनसीईआरटी बुक। नेक्स्ट आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन क्या होता है, फिर उसके बाद जो ड्रॉबैक्स था रदरफोर्ड का, वो उसने रेक्टिफाई किया था, वो हम लोग देखेंगे। ड्रॉबैक्स ऑलरेडी आप लोग को मैंने पढ़ा दिया था, रीडिंग कर लेना यहाँ से। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन। यहाँ से आ जाइए। डेवलपमेंट लीडिंग टू द बोस एटमिक, यानी रदरफोर्ड का जो ड्रॉबैक था कि एटम स्टेबल नहीं होते हैं, एक सेकेंड, एटम स्टेबल नहीं होते हैं क्यों? क्योंकि तुम्हारा मैक्सवेल बोल के गया था कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा तो एनर्जी एमिट करेगा, और एक ऐसा वक्त आएगा कि इलेक्ट्रॉन तुम्हारा न्यूक्लियस पे फॉल हो जाएगा और एटम मेरा ये हो जाएगा एज ए इलेक्ट्रिक स्पीसीज अगेन। दे आर द स्पीसीज विच कंटेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जस्ट चेक इट आउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर सेम और नॉट। ये दोनों आइजो इलेक्ट्रॉनिक है कि नहीं आप चेक करो। ये आपका क्लोरीन में कितना होता है, 17 होता है, लेकिन माइनस मतलब क्या है, ज़्यादा 18, और आर्गन का खुद का तो 18 होता है। अब इसमें चेक करो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन दो एटम है, दो लिखिए प्लस दीजिए। ऑक्सीजन में कितना होता है तुम्हारा, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, तो 10 इलेक्ट्रॉन हुआ। अब यहाँ चेक करो एमन, यहाँ कितना है, 7 है, 7 लिखा प्लस लिखा, हाइड्रोजन का 1 होता है इंटू 3, दोनों में इलेक्ट्रॉन कितने आया, 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन। सो दे आर एज इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। स्पीसीज मतलब तुम्हारा एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, इसलिए स्पीसीज बोलते हैं। अगर तुम्हारा नंबर ऑफ एटम भी सेम होता तो उसको आइजोस्टर में बोलते, ठीक है, को आइजोस्टर भी बोलते। अब समझिए एमएन आप, समझ गए? तो चलो रदरफोर्ड का ड्रॉबैक्स को ये करके मैक्सवेल से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ओके कम। नाउ वी विल मूव टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन। ड्रॉबैक्स होपफुली यू गाइस हैव रीड इन। यहाँ से मीन्स किस तुम्हारा जो ड्रॉबैक्स था उसको रेक्टिफाई करेगा बोर्स ने। तो बोर्स के थ्योरम से पहले आप लोग को एक चीज़ पढ़ना होगा, दैट इज़ व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन। वेव क्या होता है? तो गाइस जब मैं कोई प्लेन ड्रॉ करूँ, दिस इज़ माय एक्स एक्सिस, दिस इज़ माय वे एक्सिस, यहाँ से वेव पास करेगा तो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा, देन नीचे जाएगा, ये दिस इज़ माय कंप्लीट वेव, ठीक है। ऊपर वाला हिस्सा, ये नीचे वाला हिस्सा, देन अप, एक और कंप्लीट कर देती हूँ, देन ये दिस इज़ अप, दिस इज़ डाउन। सी दिस इज़ जो ऊपर है आपका उसको बोला जाता है क्रेस्ट, ओके, और जो नीचे है कटोरा टाइप का, कटोरा होता है ना इस तरह प्याला, उसको ट्रफ बोला जाता है। दिस इज़ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यही आपको पढ़ना है। तो देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ये रीड कर लेना, कुछ नहीं है। यहाँ पे तुम्हारा बोर्स से पहले टू डेवलपमेंट्स प्ले अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ बोर्स एटॉमिक थ्योरी, ये दो है कि ये जो वेव पास किया है, ठीक है, यहाँ पे तुम्हारा ये वेव की तरह भी काम कर रहा है, लाइट की तरह भी काम कर रहा है। दिस इज नोन एज द ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। यू विल रीड दिस थिंग, द ड्यूअल कैरेक्टर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच, ड्यूअल कैरेक्टर मतलब एक ही चीज तुम्हारा दो करेगा, एक क्या, रेडिएशन प्रोसेस बोथ वेव लाइक पार्टी एंड द पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टी, यानी वेव की तरह भी ये मूव कर रहा है, और ये रेड देख रहे हो वो पार्टिकल की तरह भी मूव कर रहा है, ये दोनों होता है, ठीक है। तो पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव देखेंगे, वी विल सी हाउ इट मूव लाइक अ वेव।
नेक्स्ट देखेंगे कि किस तरह तुम्हारा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन हो रहा है वो तुम्हारा पार्टिकल की तरफ बिहेव करेगा। तो फिर हम लोग का डी बॉगलेस हाइपोटेन्यूस आएगा, जहाँ पे ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल एक्सप्लेन होगा। ठीक है, तो पहले हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एज वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को हम लोग पहले वेव की तरह पढ़ते हैं। तो जब वेव की तरह हम लोग पढ़ेंगे तो तुम्हारा वो मूव करेगा लाइक यू वेव मूव करता है, साउंड प्रोपगेट करता है ना, इस तरह मूव करेगा, जहाँ पे एक क्रेस होगा एक ट्रफ होगा। ओके, एक क्रेस होगा एक ट्रफ होगा। इसको तुम्हारा जे मैक्सवेल में पहली बार एक्सप्लेन किया, तो दे विल आस्क यू हु एक्सप्लेन दिस थिंग। तो यहाँ से पढ़ना आप लोग, जे मैक्सवेल 1870 में फर्स्ट टू गिव अ कॉम्प्रहेंसिव एक्सप्लेनेशन अबाउट द इंटरएक्टिवेशन बिटवीन चार्ज बॉडी एंड बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑन माइक्रोस्कोपिक लेवल। इसने कहा कि जब भी तुम्हारा इलेक्ट्रिकल चार्ज मूव अंडर एसिलेशन यानी स्पीड से मूव करता है, तो वो ऑल्टरनेटिव मूव करेगा, ऊपर भी जाएगा नीचे, ये वाला ऑल्टरनेटिव मूव करता है। ऑल्टरनेटिव इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर प्रोड्यूस ट्रांसमिटेड, दिस इज नथिंग बट इज योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन कहते हैं। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ व्हाट डू यू मीन बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या रेडिएशन। यानी एक बार वो मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, दूसरी बार वो दिस इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस ब्लू वन इज़ योर मैग्नेटिक फील्ड, देखो मूव कर रहा है ना, एंड रेड वन इज़ योर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये तुम्हारा दोनों की तरह मूव कर रहा है। तो दोनों को आप कंबाइन करो, तो देखो यहाँ ऊपर गया नीचे गया, ऊपर गया नीचे गया, तो कुछ इस तरह ही फॉर्म हो रहा है। ओके, यहाँ पर आपका नेक्स्ट लिखा हुआ है, लाइट इज़ द फॉर्म ऑफ रेडिएशन नोन फॉर्म अर्लियर डेज एंड स्पेक्टुलेशन अबाउट इन नेचर डेट्स बैक टू रिमोन इन अर्लियर देन न्यूटन। लाइट वॉज सपोज टू बी मेड ऑफ पार्टिकल, बट 19th century में तुम्हारा कि वेव नेचर ऑफ द लाइट वॉज, लाइट इज ऑल्सो एस्टैब्लिश एज अ वेव नेचर, यानी लाइट भी आप वेव की तरह मूव करता है, ये आपका 19th century में एस्टैब्लिश हुआ। ओके, दिस इज द मैक्सवेल डायग्राम टू एक्सप्लेन कि किस तरह कोई भी तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मूव करता है इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में। ये होने के बाद हम लोग के दिमाग में आएगा कि ये जब वेव की तरह मूव करता है तो इसका वेवलेंथ क्या होगा। देखो ये जो मूव किया ऊपर गया नीचे गया, तो इसमें तुम्हारा क्या होगा, वेवलेंथ क्या होगा, इसका वेवलेंथ क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, फ्रिक्वेंसी क्या होता है, एम्पिट्यूड क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, ठीक है, सो ऑन वी विल स्टडी दिस टर्म्स। कम यहाँ पर लिखा हुआ है, दे एक्सप्लेन द सिंपल प्रॉपर्टी कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ये फॉर्म आपका क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो यू विल ड्रॉ दिस डायग्राम एंड राइट दिस प्रॉपर्टी। क्या तुम्हारा जो इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक फील्ड है आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इफ़ यू सी दिस डायग्राम वंस अगेंस्ट मोर, देखो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, दिस इज माई रेड वन इज माई मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर हो रहे हैं। ठीक है, ये पहला प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लो, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। यहाँ से क्वेश्चन आता है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यहाँ से रीड कर लीजिएगा, ये लिखिएगा कि जो ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है जो प्रोड्यूस चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। नेक्स्ट पेज में लिखा होगा, आ जाओ, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, पहला पॉइंट, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन ऑफ वेव, यानी वेव जिधर प्रोपोगेट कर रहा है उसके वो परपेंडिकुलर है इस तरह। ठीक है, जिस तरह तुम्हारा साउंड और वेव प्रोड्यूस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को भी तुम्हारा रिक्वायर मीडियम एंड कैन मूव, तुम्हारा डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, ओके, एंड कैन मूव इन वैक्यूम, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऑब्जेक्टिव आ चुका है आप लोग का कि तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डज इट मूव इन वैक्यूम और इट्स रिक्वायर, ट्रू फॉल्स में भी आता है ये वाला। तो तुम्हारा साउंड वेव्स की तरह तुम्हारा इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम एंड कैन मूव इन वैक्यूम, ओके, प्रोड्यूस इन वाटर। नेक्स्ट है, दिस इज प्रोड्यूस इन वाटर, माइंड है,
It is now established that there are many types of electromagnetic waves which differ from each other in terms of frequency and so on. जिसका frequency अलग हो उसका wave अलग होता है. ये है आपका electromagnetic wave का chart. ये remember करना है, ये chart important है. ये कैसे remember करोगे मैं trick बता देती हूँ. ये याद रखना C G X U V R U V एक सेकेंड यू वी आई एम आर दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन. ये आपका होता है जो हम लोग को नज़र आता है वो तुम्हारा ये विजिबल रेंज में आता है ये वी में. ये वी है आपका विजिबल. इट इज कंसिस्ट ऑफ योर विग्रियो सेवन कलर. ये लिखो वी आई बी जी वाई ओ आर. ये मेरा विजिबल रेंज है. सी मतलब होगा कॉस्मिक, जी मतलब गामा. ये वाला यहाँ पे कॉस्मिक रे नहीं दिया हुआ है ठीक है. कॉस्मिक गामा एक्सरे ओके यूवी रे आई फॉर इन्फ्रारे एम फॉर माइक्रोवेव एंड दिस आर योर रेडियो वेव्स. इस तरह याद रखोगे सी जी एक्स यू वी आई एम आर. कॉस्मिक गामा एक्सरे यूवी रे विजिबल रे इन्फ्रारेड रे मैग्नेटिक रे एंड योर लॉन्ग फॉर्म रेडियो वेव ओके. ये है आपका यू शुड रिमेंबर. यहाँ देखो विजिबल में तुम्हारा विग्रो नाम लिखा हुआ है. ये किस तरह याद रखना मैं बता गया. अब देखो ये जैसे जैसे जाओगे इसका आपका वेवलेंथ इंक्रीज करेगा. तो दिस इज़ आई हैव रिटन विद द इंक्रीज वेवलेंथ. तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका हुआ आपका रेडियो वेव्स का. जैसे मैं आप लोग से बात कर रही हूँ कॉम्युनिकेट कर रही हूँ तो ये रेडियो वेव्स ही है ना कॉम्युनिकेट कर रहा है. लेकिन याद रखना जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसका फ्रिक्वेंसी कम होता है. क्यों मैं बता रही हूँ. तो दिस इज़ विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी. तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी इस ग्राफ में किसका है कॉस्मिक रे का और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका है रेडियो वेव का. ठीक है ये याद रखो. चलो मैं डेरिवेशन पे आ जाती हूँ कैसे ये बताती हूँ कैसे हुआ क्योंकि ई इक्वल्स टू एस सी बाई लैम्डा होता है. एन सी आर टी बुक रीड कर करके लेकिन करना इससे हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है. सो नाउ वी नो दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच प्रोड्यूस दिस स्पेक्ट्रम्स. इसको स्पेक्ट्रम बोलते हैं. ये स्पेक्ट्रम किसके बेसिस पे है ऑन द बेसिस ऑफ फ्रिक्वेंसी. डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की वजह से हमें डिफरेंट डिफरेंट वेव्स मिला जिसका कम वेवलेंथ से ज़्यादा वेवलेंथ में अरेंज करके एक लाइन बनाया गया. और जो वहाँ पर हम लोग देखते हैं उसको विजिबल लाइट बोलते हैं. उसका रेंज याद रखिएगा. आइए रेडियो फ्रिक्वेंसी रीजन का रेंज है तुम्हारा 10 to power 6 हर्ट्ज़. ये ब्रॉडकास्टिंग जैसे हम अभी मैं बात कर रही हूँ उसमें यूज़ करते हैं. उसके बाद आ रहा है क्या दिस इज़ ओ हाँ दिस इज़ अ ब्रॉडकास्टिंग. उसके बाद एम आया. एम मतलब क्या हुआ माइक्रोवेव रीजन. ये आपका उससे कम होगा सॉरी ज़्यादा होगा वेवलेंथ है ना. तुम्हारा 10 to power यूज़ फॉर रेडार इंफ्रारेड एंड 10 to power यूज़ फॉर हीटिंग. फिर यूवी आया फ्रिक्वेंसी 10 to power 6 फ्रिक्वेंसी है ना धीरे धीरे इंक्रीज करेगा. इधर इधर जा रही हो तो धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी क्या होगा आर एम आई यू वी. इधर जा रही हो फ्रिक्वेंसी मेरा इंक्रीज करेगा है ना क्योंकि मैंने ऊपर लिखा हुआ. द स्मॉलेस्ट पोर्शन इज विच 10 to power 15 हर्ज यू विल रिमेंबर विच इज़ योर विजिबल रे विच वी आर आई कैन सी ओके. और क्या लिखा हुआ यहाँ ये ग्राफ याद रखना. डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स आर यूज टू रिप्रेजेंट दिस रेडिएशन. जैसे मैंने कर दिया है बेसिकली ये दिखाता है आपका फ्रिक्वेंसी ऑफ वेवलेंथ में जो मैंने बता दिया. दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू इंक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी सॉरी इंक्रीजिंग वेवलेंथ एंड डिक्रीजिंग फ्रिक्वेंसी. फ्रिक्वेंसी यहाँ आपका धीरे धीरे डिक्रीज होगा यानी ये बढ़ा है फिर ये बढ़ा है फिर ये बढ़ा है. ऐसा यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी इज हर्ट्ज आफ्टर द नेम ऑफ द डिस्क्रिवरी. अब इसको डिफाइन कैसे करोगे डेफिनेशन एंड सो ऑन. इसके लिए मैं खुद से अपने से डायग्राम ड्रॉ करके सारा टर्म एक्सप्लेन करती हूँ. तो फर्स्ट यू ड्रॉ द डायग्राम लाइक दिस. अच्छे से ड्रॉ करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशन हेडिंग दो. इस तरह ड्रॉ कीजिए इसका क्रेस्ट बनाइए. मैं हट जाती हूँ. क्रेस बनाइए. दिस इज योर क्रेस.
टफ फोन कर रहे हैं। बनाइए। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ से लेके टू सक्सेसिव क्रिस ये मेजर करो, इसका ट्रफ एक और है ना, या ये मेजर करो, ये दोनों को हम लोग लैम्डा बोलते हैं। यानी ऊपर वाला दो टोपी लो या नीचे वाला दो टोपी, तो तुम्हारा फर्स्ट टर्म है जो इससे रिलेटेड है, नंबर वन करके लिखो वेवलेंथ लैम्डा से डिनोट करते, इट इज़ नथिंग, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव। देखो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस लो या ये दोनों, ये नहीं कि ये लिया और ये लिया, दिस इज़ नॉट द वेवलेंथ। वेवलेंथ शुड बी फ्रॉम ईयर टू ईयर, अप टू अप एंड डाउन टू डाउन। यही लिख लीजिए, डिस्टेंस बिटवीन टू टू नियरेस्ट किस और ट्रफ। क्रिस या टफ, और टफ एंड टफ मत लिखिए, टफ मीन्स योर नीचे का जो नज़र आ रहा है। अब इसका यूनिट क्या है, यूनिट आपका है मीटर। देखो ये लेंथ है ना, तो मीटर सेंटीमीटर है, तो बेसिकली इसको एमस्ट्रॉम में मेजर करते हैं, ए लिख के नॉर्थ लिखना, इसको बोला जाता है एमस्ट्रॉम। ठीक है, पिकोमीटर में भी होता है। पिकोमीटर में भी होता है, पिकोमीटर को कैसे लिखोगे, पीएम करके लिखना, पिकोमीटर सेंटीमीटर तो आप लोग को पता है, सीएम करके लिखना, मीटर में होता है। अब रिलेशन ये प्लीज़ याद रखना, पूरा 11 तक या 12 तक भी जब तक पढ़ रहे हो साइंस। 1 एंस्ट्रॉम तुम्हारा 10^-10 मीटर होता है, ऑलरेडी यूनिट 1 में बता दिया था, फिर से बता देते, 1 पिकोमीटर आपका 10^-12 मीटर होता है। ठीक है, अगर 1 नैनोमीटर बोले, ये तो पता है आपको, कितना मीटर होगा, 10^-9 होगा। अगर 1 सेंटीमीटर बोले तो कितना मीटर होगा, ये तो 10^-2 मीटर। तो दिस इज माई दिस थिंग, इसका सिंबल होता है लैम्डा से, सिंबल होगा लैम्डा। लैम्डा, LAMDA, लैम्डा। तो दिस इज़ माई वेव लेंथ। ठीक है, उसी तरह नेक्स्ट टर्म है तुम लोग का कि वेव नंबर क्या होता है। वेव नंबर कुछ नहीं है तुम्हारा, कि रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, यानी वेव पास इन पर यूनिट लेंथ, एक यूनिट लेंथ में तुम्हारा कितना वेव पास होता है उसको बोला जाता है आपका वेव नंबर, और 1 सेकेंड में कितना वेव पास होगा वो फ्रिक्वेंसी में आ जाता है। ठीक है, और एम्पटीट्यूड मतलब होता है ये कितना ऊपर गया, स्मॉल ए लिख देते, कितना ये ऊपर गया या कितना नीचे गया तुम्हारा, ये एम्पटीट्यूड होता है। तो ये सब टर्म आप लोग लिखिए कि वेव नंबर क्या होगा, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ योर वेवलेंथ, सेकेंड टर्म वेव नंबर। इसको डिनोट करना, न्यू देना बार देना, यानी न्यू बीयर बार। ठीक है, न्यू देना और बार देना, इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ। या लिख सकते हो कि नंबर ऑफ वेव पास इन यूनिट, द नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन यूनिट लेंथ, ये भी लिख सकते हो डेफिनेशन में। ओके, अब इसको मैं क्या बोली, रेसिप्रोकल है न्यू बार, तो रेसिप्रोकल 1/लैम्डा आएगा, यूनिट क्या हो जाएगा, जो इसका यूनिट था वो उसका उल्टा करके लिख लो, तो यूनिट अगर मैं सेंटीमीटर में था तो इसका सेंटीमीटर इन्वर्स हो जाएगा, मीटर इन्वर्स ऑन। ठीक है, नेक्स्ट टर्म है कि तुम्हारा फ्रिक्वेंसी किसको बोलते हैं, थर्ड फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्वेंसी को हम लोग न्यू से करते, एन यू न्यू, फिर से लिख देती,
अभी ये वेव ड्रॉ किया था मैंने, कितना तुम्हारा वेव पास होगा एक सेकेंड में, दैट विल बी योर फ्रिक्वेंसी. तो नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू अ पॉइंट इन वन सेकेंड, माइंड दैट, वन सेकेंड में, एक सेकेंड के अंदर. ओके, इट्स फ्रिक्वेंसी. इसका जो यूनिट होता है उसको हर्ट्स बोलते हैं. ऊपर देखा था आप लोग ने, एच ई आर टी जेड, या शॉर्ट में लिखना है एस जेड, और या सेकेंड इनवर्स में, क्योंकि एक सेकेंड है ना, तो पर सेकेंड में भी हम लोग बोलते हैं. नेक्स्ट टर्म है तुम्हारा कि टाइम पीरियड कितना होता है. टाइम पीरियड तुम्हारा फ्रिक्वेंसी का उल्टा होता है, या बोल सकते हो कि एक पॉइंट में तुम्हारा टाइम टेकन बाय अ वेव टू पास टू वन पॉइंट, यानी ये पॉइंट से ये पॉइंट में जाने के लिए तुम्हारा कितना टाइम लगेगा, दैट इज़ योर टाइम पीरियड. टाइम टेकन बाय वेव टू पास टू वन पॉइंट, ओके. तो इट इज़ नथिंग बट द रेसिप्रोकल ऑफ योर फ्रिक्वेंसी. फ्रिक्वेंसी क्या था आपका, न्यू. तो रेसिप्रोकल के लिए क्या लिखूँगी, इसका सिंबल होता है आपका कैपिटल टी, और ये होता है वन बाय न्यू. ओके, यानी तो यूनिट में क्या होगा आपका, टाइम है, टाइम का यूनिट सेकेंड ही होगा ना, पर सेकेंड था. देखो पर सेकेंड का उल्टा क्या होगा, सेकेंड. नेक्स्ट है वेलोसिटी क्या होता है. वेलोसिटी तो आप लोग को पता है कि कितना है? एक सेकेंड में वेव, नंबर ऑफ वेव कवर इन वन सेकेंड, यानी मैं टाइम क्लॉक से एक सेकेंड मेजर की, उसमें कितना वेव पास हुआ. तो नेक्स्ट टाइम लिखो नंबर फोर, नंबर फाइव होगा आई थिंक. टाइम पीरियड हो गया वेलोसिटी. अच्छा, वेलोसिटी स्मॉल सी से डोनेट करना. इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस कवर, यानी वेव एक सेकेंड में कहाँ कितना दूरी तक मेरा फैल रहा है, दैट विल बी ओके डिस्टेंस कवर बाय अ वेव इन वन सेकेंड. ओके, यहाँ से हम लोग रिलेशन ड्राइव करेंगे. सी लिखा, डिस्टेंस कवर बाय अ वेव को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ मेरा डिस्टेंस कवर किया, तो डिस्टेंस कवर बाय अ वेव को क्या बोलते हैं, लैम्डा. तो ये लैम्डा लिखा, ठीक है. इन वन सेकेंड में मैं मेजर करूँगी, तो इसको हम लोग टाइम पीरियड बोलते हैं कि नहीं, तो ये आपका डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड लिख सकती हूँ कि नहीं. देखो रिलेशन यहाँ आपसे आया, डेफिनेशन से डिस्टेंस कवर बाय वेव को लैम्डा बोलते हैं, पूरा को बोलेंगे टाइम पीरियड को. या व्हाट यू कैन डू और करके लिख लो, टी इक्वल्स टू टाइम पीरियड मीन्स व्हाट, टी है आपका वन बाय न्यू. तो न्यू क्या होगा गाइस, न्यू विल बी वॉट, वन बाई टी. तो ये वन बाई टी के बदले में आई कैन राइट न्यू, तो लैम्डा इंटू न्यू. दिस इज एन अनदर डायरेक्शन, मीन्स योर वेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेंथ इंटू फ्रिक्वेंसी, या वेलोसिटी इक्वल्स टू वेवलेंथ बाय टाइम पीरियड. ये सब डिराइव करते रो सम्स करेंगे. टू मार्कर का क्वेश्चन आता है, डेरिवेशन आता है. डेरिवेशन करोगे जब, तो फर्स्ट यू राइट दिस वेलोसिटी, टाइम पीरियड का डेफिनेशन, फ्रिक्वेंसी का डेफिनेशन डिराइव कर लेना. और चलो और भी डेरिवेशन हो सकते हैं, क्या कर सकती हूँ, थोड़ा सा इधर हेर फेर कर देती हूँ. यानी फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा कर दो, फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू वेलोसिटी बाय वेवलेंथ, ठीक है. और भी डिराइव कर सकती हूँ, इस डिपेंड्स ऑन दिस थिंग. मेन इसलिए मैंने करवाया क्योंकि यहाँ पे, यहाँ से मुझे एक रिलेशन आता है, दैट इज सी क्या है आपका, सी इज द लाइट, ये कांस्टेंट होगा, स्पीड है ना, स्पीड. तो आपका वेलोसिटी ऑफ लाइट साउंड इज कांस्टेंट, एक वैल्यू होता है. तो सी यहाँ अगर मैं कांस्टेंट लूँ, तो वी तुम्हारा न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, यानी क्या, फ्रिक्वेंसी तुम्हारा, फ्रिक्वेंसी है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. यही आपका मैंने कॉस्मिक रे में बताया था कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसका फ्रिक्वेंसी कम होता है. ये प्लीज़ याद रखना, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होता है उसका फ्रिक्वेंसी कम होगा बाय दिस रिलेशन, सी इक्वल्स टू दिस थिंग. यहाँ तक हो गया, समझ आया, डन लिखो. ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, नोट डाउन करके लिख लो.
ई वाला रिलेशन याद रखना, न्यू इक्वल्स टू सी वाई लैम्डा, या वेव नंबर में सी इक्वल्स टू न्यू नॉट। ठीक है, ये रिलेशन को बॉक्स में नीचे करके लिख लीजिए, सिंस तुम्हारा न्यू इक्वल्स टू वन बाई वेवलेंथ है इसलिए। इस पर हम लोग सम्स करेंगे, और कुछ नहीं है इस पर, आप पे आपका सम्स है। कुछ बताना है यहाँ से? चलो बैक टू वह एनसीईआरटी जो ये सब लिखा हुआ है। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन भी लिख दिया है कि इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेव पास गिवन पॉइंट इन 1 सेकेंड। फिर वेवलेंथ आपका लिखा हुआ है, इट शुड बी यूनिट ऑफ लेंथ, ऐसा यूनिट इसका मीटर होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेव्स पास होते हैं जो ये डायग्राम में है। वैक्यूम में तुम्हारा ऑल टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिगार्डलेस ऑफ ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ दिस थिंग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्लीज दिस इज नथिंग बट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट, और इसको हम लोग स्मॉल सी से जो अभी मैंने डिराइव किया, ये तीनों को डिराइव करके जो रिलेशन आया, सी फ्रिक्वेंसी वेवलेंथ जो है सी इक्वल्स टू न्यू लैम्डा, है ना। अभी डिराइव किया मैंने ये वाला इक्वेशन, तो ये वाला इक्वेशन का डेरिवेशन देख लीजिएगा, रीड कर लिया एनसीईआरटी बुक से, फिर ये वाला चार्ट देख लेना कैसे पढ़ना है बता दिया है। यहाँ पर आपका वेव नंबर का लिखा हुआ है जो रेसिप्रोकल है वेवलेंथ के, वो पढ़ लीजिएगा। इट इज़ द वेव नंबर पर यूनिट लेंथ मीटर इनवर्स होता है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे चलो सम्स करते हैं। क्या लिखा हो, लेट्स डू द प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम में फॉर्मूला यूज़ करना है जो अभी सिखाया है, फ्रिक्वेंसी, क्या फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा ये यूज़ करना, या क्या यूज़ करना, फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू सी इंटू वेव नंबर दिस थिंग, और क्या यूज़ कर सकते हो, जो फ्रिक्वेंसी इक्वल्स टू लैम्डा बाय टी है ना। देखते किस फॉर्मूला से बने, आ जाओ सम्स करो, सम्स आता है इस पर, ये तीनों पे सम्स आते हैं। वॉट इज दिस विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रिक्वेंसी। तो देखो यहाँ पर मुझे न्यू का वैल्यू दे दिया है, तो सबसे पहले फ्रिक्वेंसी लिखो, फ्रिक्वेंसी का वैल्यू दे दिया है मेरा इतना किलो हर्ट्ज है, माइंड है, तो इसको हर्ट्ज में करने के लिए आपको 10³ करना होगा। तो मैं लिखती हूँ फ्रिक्वेंसी मेरा दे दिया है 1.368 किलो हर्ट्ज है, इसको मैं 10³ करके हर्ट्ज में कर देती हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया हुआ, कैलकुलेट द वेव लेंथ, वेव लेंथ यानी लैम्डा मुझे फाइन करना है ऑफ द इलेक्ट्रो में विच पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रो डू यू बिलोंग, यानी वैल्यू से मुझे पता लगाना होगा कि तुम्हारा स्पेक्ट्रम में क्या है। तो चलिए, वी नो द रिलेशन बिटवीन द दिस थिंग क्या है, अभी देखा सी इक्वल्स टू लैम्डा इंटू न्यू, ये रिलेशन देखा। यहाँ से आप सी का वैल्यू ऑलरेडी यू नो, सी इज़ द वैल्यू कॉन्स्टेंट हो जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, फाइन ना। तो सिंपली फॉर्म दिस टू, इसका वैल्यू वैल्यू इसका वैल्यू पता, तो लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, लैम्डा अकेला कीजिए सी बाई न्यू, यानी इस तरह आएगा, सी का वैल्यू पुट किया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लैम्डा देखो तुम्हारा फ्रिक्वेंसी कितना है किलो हर्ट्ज़ है, हर्ट्ज़ किलो में हटा दीजिए किलो को, ये लोग ने करके इतना आया। अब गाइस ये क्या आ रहा है 2139, तो दिस हैज़ अ वेरी लॉन्ग वेवलेंथ, सबसे ज़्यादा लॉन्ग वेवलेंथ किसका होता है अभी बताना है, सी जी एक्स यू वी आई एम आर, आर मतलब क्या, रेडियो वेव्स, तो दिस इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द रेडियो वेव वेवलेंथ। ओके, ये आपका सम्स है। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं और कैसे कर? हमेशा यूनिट को सिंपल रखना, किलो हो मेगा हो, तो कन्वर्शन ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में सिखाया था, सिंपल यूनिट SI में ट्राई टू बी इट। ओके, और सेकेंड सम्स करते हैं। व्हाट इज दे हैव गिवन, द वेवलेंथ ऑफ द विजिबल स्पेक्ट्रम एक्सटेंड फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 750, एक्सप्रेस दिस वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज, वेरी फाइन।
फ्रिक्वेंसी में मुझे करने बोला है तो सबसे पहले मैं पहला वेवलेंथ यानी दो चीज़ करना, पहला वेवलेंथ लेना 400 नैनोमीटर, लेकिन नैनोमीटर को मीटर में कर लीजिए, एसआई बोला है ना, तो 400 इंटू एक नैनोमीटर कितना मीटर होता है, 10^9 लिखा, जस्ट अप्लाई फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला है सी बाय लैम्डा, सी का वैल्यू क्या पुट करोगे, 3 × 10^8, लैम्डा यहाँ क्या पुट करेंगे, 400 नैनो, नैनो के बदले क्या लिखे, 10^-9 पुट किया, हज में आ गया। सेम थिंग यू विल डू फॉर दिस थिंग, यानी न्यू इक्वल सी बाय लैम्डा 3 × 10^8, नीचे क्या लिखोगे, 750 × 10^-9 करके सॉल्व करना, आपको फ्रिक्वेंसी का रेंज निकल आएगा जो यहाँ सॉल्व किया हुआ है। ओके, तो विजिबल रिंग का फ्रिक्वेंसी क्या आया, 4 से लेके तुम्हारा इतना, वेरी सिंपल। आ जाओ थर्ड थर्ड प्रॉब्लम, ये खुद से कॉपी में सॉल्व कीजिएगा जो एनसीईआरटी में न्यूमिकल्स है, बैक एट द बैक ऑफ दिस चैप्टर द मोर न्यूमिकल्स आर गिवन, मैं होमवर्क में भी दूंगी कुछ। आ जाओ, दे वॉन्ट वेव नंबर चाहिए ऑफ येलो रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ ऑफ इतना, देखो ये एमस्ट्रॉम में है, मीटर में कर लो, तो एक एमस्ट्रॉम कितना मीटर होता है आपका, 10^-10 मीटर, तो वेवलेंथ का वैल्यू दे दिया है मेरा 5800 × 10^-10 मीटर, सी का वैल्यू आप लोग को याद है 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, फटाफट यहाँ से फ्रिक्वेंसी निकालिए, फ्रिक्वेंसी निकल आएगा तो वेव नंबर क्या होता है आपका, 1/लैम्डा करके निकाल लेना। ओके, फ्रिक्वेंसी निकल आया है तो यहाँ से आप निकाल लेना। ओके, ये दोनों हो जाएगा, इट्स वेरी सिंपल। ये तो सॉल्व किया हुआ था, कुछ सम्स लिखो जो मैं लिखा रही हूँ, आप लोग होमवर्क में करना, होमवर्क तो मिलता नहीं है हमको, लेकिन चलो होमवर्क में सम्स लिखो। हाँ एमएन, होमवर्क का सम्स तो मिलता ही नहीं हमको, अलग से कुछ होमवर्क देने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। एक काम करना, बैक में इसके अच्छा अच्छा क्वेश्चंस है, मैंने देखा है, बैक क्वेश्चंस कर लेना इसके, ये वाला खुद से प्रैक्टिस करना जो सम्स है, और बैक क्वेश्चन कर लेना, बैक में अच्छा है दिया हुआ है। ओके, वी हैव डन विद दिस थिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में, नेक्स्ट है तुम्हारा ये प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होता है ये देख लो, ये एक अगर ब्लैक बॉडी है तो इस पर जब लाइट पड़ता है आपका, तो लाइट जब ऑब्जर्व होता है, तो ये जो ऑब्जर्व करता है टाइनी पार्टिकल एब्जॉर्ब करता है, दिस टाइनी पार्टिकल को बोला गया है क्वांटम, क्वांटम फिजिक्स पढ़ोगे आप लोग, तो यही है आपका प्लैंक्स क्वांटम, कि जब भी लाइट तुम्हारा कोई भी मेटेलिक थिंग ऑब्जर्व करता है तो छोटे छोटे पार्टिकल में ऑब्जर्व करते हैं, जिसको क्वांटम बोला जाता है। यहाँ पर आपका नेचर दिया हुआ है, द नेचर ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशन फ्रॉम हॉट बॉडी ब्लैक बॉडी रेडिएशन इजेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, जस्ट रीड दिस थिंग्स, थ्योरी यही है, रीड करके रखना, नेक्स्ट डे मैं एक्सप्लेन कर दूंगी और डिटेल्स में प्लैंक्स थ्योरम कितना होता है। बेसिकली यही है आपका कि यहाँ पर जितने ज़्यादा एनर्जी तुम्हारा जाएगा उतना इस डिपेंड ऑन इस फ्रिक्वेंसी, कितना एनर्जी से होगा आप लोग का होमवर्क होगा, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है उसको अच्छे से पढ़िएगा और सम्स करके दिखाना, दो तीन सम्स देखना, बैक एंड ऑफ द चैप्टर वो होता है, प्लीज रिमेंबर द फ्रिक्वेंसी इज हेल्पफुल फॉर यू। चलो बायो क्लास में मिलती हूँ। लाइव तो नहीं है एमएन, आप हो बायो क्लास करोगी, लाइव नहीं रहे तो क्लास कैसे करवाए हम, हाँ तो रिकॉर्डेड क्लास ले लिया करो फिर एक किसी, एमएन लाइव हो आप, एमएन है लाइव, चलो बायो क्लास, बाय यहाँ तक पढ़ के रखना एमएन, और जो होमवर्क दिए करना।